डाल दिया आपने। आज मीटिंग रखी थी सारे व्यापारियों के साथ, जैसे सब्जी व्यापारी, दूध व्यापारी, मेडिकल वालों के साथ में, क्या कहती इसमें गाइडलाइन दी गई और क्या इसमें सिचुएशन को हैंडल करने की आपने निर्देश दी? एक्चुअली शासन से हमें निर्देश हैं कि जो भी यहाँ पर आवश्यक सुविधाएं, आवश्यक जो सेवाएं हैं, जैसे सब्जी वाले हैं, किराना है, फल फूल हैं, दवाएं हैं, वो जनता को उपलब्ध होते रहे। उनकी टाइमिंग्स हैं, जैसे सब्जी वगैरह है वो 8 से 12 जा सकती है, बिक सकती है, और मेडिकल वगैरह है वो 24 घंटे उनको उपलब्ध रहे, तो उन्हीं उसी को लेकर के हमने व्यापारियों को आज इंस्ट्रक्ट किया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपूर्ति से जुड़ा मिलता था, क्योंकि चंबला में जो है छतरपुर से जिस जगह सप्लाई होती है, लॉकडाउन होने की वजह से वो सब सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो उसके जुड़े जो मुद्दे थे उनका निराकरण यहाँ पे किया गया। जी, जैसे इन सब्जियों के, दूध के बढ़े हुए दामों की काफी शिकायतें आ रही थी, काफी लोग परेशान थे, इसके लिए आपने किस प्रकार के निर्देश जारी किए? हमने सबको समझाया, जो सब्जी वाले बेचने वाले हैं और उनको परमिशन दी, उनके पास स्टॉक कम था, स्टॉक कम होने की वजह से वो लोग, एक दो लोगों की शिकायत थी, बहुत दूध वगैरह तो सही रेट पे ही बिक रहा था और सब्जी का था, तो आज हम फिर परमिशन दे रहे हैं और कल से सब्जी आ जाएगी चंबला में भारी मात्रा में, तो फिर से जो है सेम रेट पे ही मिलेंगे। जी, और चंबला में लॉकडाउन की स्थिति में किस प्रकार से हो रहा है, क्या लोग कॉपरेट कर रहे हैं या प्रशासन किसी प्रकार से जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, बहुत से लोग स्वैच्छिक रूप से कर रहे हैं, 90% पॉपुलेशन चंबला के, 95% आप खुद ही आइसोलेट है और खुद ही अपने आप को लॉकडाउन कर रखा है। कुछ लोग हैं तो उनके लिए प्रशासन है, हम लोग हमेशा सड़कों में, पुलिस हमेशा साथ होते हैं, नगर पालिका है, हम लोग सब लोग मिलकर सुलझ पाए। सबसे तेज, सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करें हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।